हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको हलवाई स्टाइल रसमलाई घर पर बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप रसमलाई बनाएंगे, खाने में बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और स्पंजी बनेगी। और हर वो सीक्रेट टिप्स बताऊंगा जो हलवाई लोग इसको बनाने में यूज करते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध लिया है, गाय का दूध का मैं यूज कर रहा हूँ। अगर आपको गाय का दूध ना मिले, आप कोई भी पैकिंग वाला लो फैट मिल्क यूज यहाँ पे कर सकते हैं। गैस की फ्लेम आपने चालू कर दी है और सबसे पहले दूध को आपने यहाँ पे बॉइल कर लेना है। ये देखिए, दूध में बॉइल आ चुका है। इसके बाद गैस की फ्लेम आप बंद कर दीजिए और दूध को आपने थोड़ा सा ठंडा होने देना है। जैसे दूध थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, इसके बाद हम इसका छेना बना के तैयार करेंगे। अब दूध को फाड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, आप विनेगर का यूज कर सकते हैं। ये देखिए, 2 बड़े चम्मच मैंने विनेगर लिया है, या फिर आप नींबू के जूस का यूज कर सकते हैं। हलवाई लोग टार्टरी का यूज भी करते हैं दूध का छेना बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम विनेगर से दूध का छेना बनाएंगे। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया इसमें और दूध को कितना ठंडा करना है देख सकते हैं। उंगली में अच्छा गर्म लगना चाहिए, दूध इतना ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। और ज्यादा गर्म में भी दूध को आपने नहीं फाड़ना है। वो क्यों, ज्यादा गर्म में फाड़ेंगे जो छेना बहुत ही हार्ड हो जाता है और आपकी रसमलाई अच्छी स्पंजी नहीं बनती है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें विनेगर डालते चाहिए और इसके बाद दूध को आप कंटिन्यू वहां पे पलटे से हिलाते रहिए। देखिए, आप देख सकते हैं मैंने पूरे का पूरा विनेगर डाल दिया इसमें और धीरे धीरे मैं इसमें पलटा चला रहा हूँ। धीरे धीरे क्यों चला रहा हूँ, ताकि जो छेना है थोड़ा दानेदार बने, एकदम से ना इकट्ठा ना हो जाए। तो इस तरह से ही आपने देखिए छेना बना के तैयार करना है यहाँ पे। अब इसके बाद आप इसको छान लीजिए। छानने के लिए आप कोई भी सूती या कॉटन के कपड़े का यूज कर सकते हैं। एक बाउल रखा है मैंने, इसके ऊपर देखिए कपड़ा रख दिया है और कपड़े को अच्छी तरह से सेट कर लीजिए। और जो हमने छेना बना के तैयार कर रखा है ना, वो पूरे का पूरा इसमें छान देना है। देखिए, पूरा छेना मैंने इसमें डाल दिया है। कपड़े के चारों साइडों को पकड़िए इस तरह से और अच्छी तरह से आपने इसका जो पानी है ना, उसको निकाल लेना है। अच्छे से पानी निकालने के बाद आपने क्या करना है, इसको ना एक बार धो लेना है, क्योंकि इसमें विनेगर या नींबू का जो टेस्ट होता है ना, वो निकालना जरूरी होता है। तो मैंने इसको एक बार धो लिया नल के नीचे रख के। अब अच्छी तरह से इसका आपने जो पानी है उसको निकाल देना है, या फिर आप इसको ना किसी चीज से बांध दीजिए, कम से कम आधे घंटे बांध के छोड़ दीजिए, ताकि अच्छे से इसका पानी जो है निकल जाए। तो मैंने इसको नल से बांध दिया, इसका पानी निकलने देते हैं। तब तक हम रस बना लेते हैं। कढ़ाई में यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध ऐड किया है और इसके साथ में चीनी ऐड करेंगे। तो 150 ग्राम मैंने इसमें चीनी ऐड की है। शुगर कम खाते हैं, थोड़ा सा कम यूज आप कर सकते हैं। गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है और हाई फ्लेम में दूध को आपने यहाँ पे बॉईल कर लेना है पहले, जैसे दूध गर्म हो जाए। इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा केसर ऐड करना है। केसर से क्या होगा, एक तो कलर अच्छा आएगा रस में और दूसरा हेल्दी भी बनेगी हमारी जो रसमलाई बनेगी। तो ओके, देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें केसर भी ऐड कर दिया है। अब इतने केसर से एक अच्छा कलर नहीं आएगा, जो येलो कलर आता है। तो आपने इसमें ना थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देना है। वैसे तो हलवाई लोग कलर का यूज करते हैं, बट मैं आपको कभी भी कलर के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए। इतना सा हल्दी पाउडर डालने से कोई भी फ्लेवर नहीं आएगा और साथ में जल्दी ठीक करने के लिए आपने इसमें ना थोड़ा सा मिल्क पाउडर डालना है। आधा कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है। गुनगुने दूध के साथ इसको मिक्स कीजिए और मिक्स करके आप इसको ना डाल दीजिए दूध में, या फिर आप मिल्क मेड का यूज कर सकते हैं, कंडेंस मिल्क आता है मार्केट में। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर भी डाल दिया है। इससे क्या होगा, हमारी जो रबड़ी है ना, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। और अच्छे फ्लेवर के लिए आपने इसमें आधा चम्मच ना इलायची पाउडर ऐड करना है। इलायची पाउडर को भी दूध के साथ मिक्स करके डालिए, नहीं तो इसके ना लम्स बन जाते हैं। ये देखिए, इलायची पाउडर भी डाल दिया है। अब कम से कम आपने ना रबड़ी को 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम यहाँ पे पकने देना है और बीच बीच में पलटे से हिलाते भी रहना है। तो थोड़ी सी मैंने हल्दी इसमें और ऐड की थी। और के देखिए, अब देख सकते हैं जो हमारी रसमलाई की रबड़ी है वो थिक भी हो चुकी है, इसमें अच्छा कलर भी आ चुका है। थोड़े से बारीक कटे हुए मैंने इसमें बादाम ऐड किया है, थोड़ा सा पिस्ता ऐड करेंगे और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो इस तरह से आप इस ना रबड़ी को बना के देखिए, रसमलाई के साथ आप इसको खाएंगे, बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट निकल जाएगा। तो इतनी इसमें थिकनेस रखनी पड़ती है। वैसे कुछ लोग इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल देते हैं जल्दी थिक करने के लिए, बट मैंने इसमें ऐसा कुछ भी ऐड नहीं किया है। इसके बाद आपने रसमलाई को दूसरे बर्तन में निकाल लेना है, ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए। अब इसके बाद चाशनी बनाएंगे। एक कढ़ाई में एक बड़ा बाउल भर के मैंने चीनी ऐड की है और साथ में आपने 3 बाउल भर के इसमें पानी ऐड करना है। तो जो चीनी का बेट है वो 400 ग्राम है और इसमें जो पानी ऐड किया है 1.200 ml मैंने इसमें पानी ऐड किया है। गैस की फ्लेम चालू कर देंगे और चीनी को अच्छी तरह से ना पानी के साथ आपने मिक्स कर लेना है। तो जो चाशनी बनेगी वो पतली चाशनी रहेगी, थिक नहीं बनानी आपने। इसको पकने देते हैं। अब ये देखिए, आधे घंटे के बाद हमारा जो छेना है अच्छी तरह से उसका जो पानी है वो यहाँ पे निकल चुका है, बिल्कुल भी देखिए इसमें पानी नहीं बचा है। अगर आपको लगता है छेने के अंदर थोड़ा बहुत पानी है, तो आप इसको ना थोड़ी देर फिर से कपड़े में लटका के छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद आपने इसको मैश करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैश करना है, बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए इसमें। रसमलाई बनाने का यही मेन स्टेप है। ये देखिए किस तरह से मैश करना है, हाथ की जो हथेली होती है ना, इससे आपने इसको मैश करना है। कम से कम 3 से 4 मिनट तक मैश कीजिए, ज्यादा टाइम भी लग सकता है। और ये देखिए, अच्छे से मैंने मैश कर लिया छेने को। 1 बड़ा चम्मच आप इसमें कॉर्नफ्लोर डालिए और 1 छोटा चम्मच आपने इसमें मैदा ऐड करना है। थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा, मैदा और कॉर्नफ्लोर उसको सोक कर लेंगे और जब हम चाशनी में ना इनको बॉईल करेंगे तो ये फटेंगे भी नहीं। तो अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर मैदा को सिर्फ मैंने मिक्स किया है, ज्यादा मैश नहीं किया है। इसके बाद आप इसको 10 मिनट तक फ्रिज में रख दीजिए, जैसे ठंडा हो जाएगा फिर से टाइट हो जाएगा छेना जो है। और इसका थोड़ा सा आपने बिल्कुल थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड करना है, बेकिंग पाउडर से अच्छा स्पंज आएगा। तो ये देखिए, ज्यादा मैश नहीं करना है, हल्का सा मिक्स कीजिए बेकिंग पाउडर को। और इसके बाद आपने इसके ना पोर्शन बना लेने हैं। अगर आपको लगता है आपका मिक्सचर ज्यादा ही गीला हो रहा है, तो जितने आप पोर्शन बनाएंगे ना उतने के तो बना लीजिए, बाकी को आप फ्रिज में रख दीजिए। उससे ना छेना गीला नहीं होता है, अगर ज्यादा गीला रहेगा
तो चाशनी में जो स्पंज है ना वो फट जाते हैं। ये देखिए छोटे छोटे आपने इसके पोर्शन बनाने हैं, ज्यादा बड़े नहीं बनाने हैं। ज्यादा बड़े बनाएंगे जब आप इसको चाशनी में बॉईल करेंगे तो बहुत ही ज्यादा बड़े हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे बनाइए, और जितने पीस आपने बॉईल करने ना उतने पीस बना के आप एक प्लेट में रख लीजिए। ये देखिए 6 से 7 पीस यहाँ पे मैंने बना लिया है, और यहाँ पे हमारी जो चाशनी है वो भी यहाँ पे उबल रही है। तो उबलती हुई चाशनी में आपने सारे के सारे पीसेस यहाँ पे डाल देने हैं। और एक बार जब भी आप स्पंज बनाए, एक आपने स्पंज पहले ही बॉईल करके देख लेना है, उससे पता चल जाता है कि बाइंडिंग आ रही है नहीं आ रही है। तो ऊपर से कवर कर दीजिए, और ये देखिए कितनी देर आपने इनको बॉईल करना है, 7 से 8 मिनट तक आपने इनको बॉईल करना है मीडियम फ्लेम में। 7 मिनट हो चुके हैं मुझे देखिए इनको बॉयल होते हैं, और ये देखिए हमारे जो स्पंज है बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे फूल चुके हैं। अब इसके ऊपर आप इनको ना पलटी कर दीजिए। अब हलवाई लोग तो ज्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, तो उनका जो तरीका होता है रीठा वगैरह डालते हैं, फिर उनकी चाशनी भी थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में रहती है। बट घर में हम कम चाशनी से बनाएंगे, तो इस तरह से आप इनको बना सकते हैं। पूरे पीसेज मैंने पलटी कर दी है, फिर से ऊपर से कवर कर दीजिए, और इनको आप 4 से 5 मिनट तक पकने दीजिए। कितनी देर आपको टोटल लगेंगे, 12 से 14 मिनट तक लग जाते हैं इनको प्रॉपर स्पंजी होने में और अंदर तक पकने में। इसके बाद आपने थोड़ी सी चाशनी निकाल लेनी है, और थोड़ा सा आप उसमें पानी मिक्स कीजिए, और उस पानी में थोड़ी सी आपने आइस डालनी है। ये देखिए इस तरह से आपने ना बिल्कुल पतली और ठंडी चाशनी में आपने डाल देने हैं, इससे अच्छी तरह से बाइंड हो जाएंगे। और जो बचे पीसेज है उसी चाशनी में थोड़ा सा पानी डालिए, और उनको ना बॉइल कर लीजिए। और ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे के सारे स्पंज है यहाँ पे बॉइल कर लिया है, और बिल्कुल नॉर्मल मीठे वाली चाशनी में सारे डाल दिए हैं। और 2 लीटर दूध में कम से कम 18 से 20 पीसेज यहाँ पे बन के तैयार हो जाते हैं। इसके बाद आपने इनके अंदर से हल्की हल्की सी चाशनी निकाल लेनी है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी चाशनी निकाल लीजिए। जब हम इनको रबड़ी में डालेंगे अच्छी तरह से रबड़ी को सोक कर पाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे हमारी जो रबड़ी है थोड़ी सी निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी हमने इसमें पहले स्पंज डालने हैं, तो ऊपर से हम इसके ना रबड़ी डाल देंगे। तो इसके बाद मेन स्टेप जो बाकी है वो ये स्टेप है, आपने कम से कम इस रसमलाई में ना इन पीसेस को 4 से 5 घंटे तक छोड़ना है, तभी इनके अंदर तक अच्छा रबड़ी का रस जाएगा और तभी अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए सारे के सारे पीसेस मैंने एक बार में रबड़ी में डाल दिए हैं। थोड़ा सा ऊपर से बारीक कटा पिस्ता या बादाम डाल दीजिए, और इनको ऊपर से कवर करके फ्रिज में रख दीजिए। कम से कम 5 घंटे तक अच्छे से ठंडे भी हो जाएंगे, और स्पंज के अंदर तक रबड़ी का जो रस है वो भी भर जाएगा। तो ये देखिए 5 घंटे हो चुके हैं, और हमारी जो रसमलाई है वो प्रॉपर तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरह से आप इसको बना के देखिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।